कोरोना काल के चलते जहां अर्थव्यवस्था पर सीधा असर देखने को मिला, लेकिन इसी के साथ लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर बात करें गुजरात की, तो वहां के दुकानदारों को कोरोना काल के चलते सीधा असर उनके कामों पर दिखाई दिया, जो अभी तक दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में दुकानदार का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। जी, मेरा नाम मातुलका देवांश है। मैं यहाँ पे सीजनेबल धंधा करता हूँ। यहाँ फिर हम अंदाज से 30 साल से धंधा कर रहे हैं। यहाँ पे पहले मेरे पापा कर रहे थे, हम भाई लोग कर रहे हैं, पापा का सपोर्ट लेके हम कर रहे हैं साथ में। इस बार पतंग मार्केट में कोरोना की वजह से कितने तेजी है, क्या माहौल है? इस बार कोरोना की वजह से मार्केट थोड़ा मंदा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस साल नए पतंग आए, जैसे कि कोरोना वाले पतंग है, मोदी वाले पतंग है, उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है कोरोना, इसकी वजह से। और कौन से पतंग की डिमांड ज़्यादा है? ये मोदी है, बस बाकी ये छोटे बच्चों वाली ये सब पतंग है, ये सारी पतंग अभी ट्रेंडिंग पे चल रही है। इस साल ग्राहक की बहुत कम है, लेकिन चल रहा है, ठीक मंदा चल रहा है मार्केट, लेकिन हो रही है ग्राहक अभी। कितना परसेंट धंधा होने की शक्यता है? 50-70% हो जाएगा धंधा लगता है इस बार। इस बार पतंग के भाव में कुछ बढ़ोतरी हुई है? पतंग के भाव में ज़्यादा, जो हमें माल चाहिए वो माल आ नहीं रहा है, ज़्यादा पैसे दे के भी माल चाहिए वो माल आ नहीं रहा है अभी मार्केट में, उसकी वजह से मार्केट जो लेना चाह रहे लोग उसको मिल नहीं रहा है, मार्केट मंदा चल रहा है। बड़े हैं पिछले बार के हिसाब से? हर बार ये पंजाब बिकता है 20 रुपए में बेच रहा हूँ, इस बार इसको 25 रुपए में। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।